something clicked from the very first day. Yes, yes, something actually. Clicked. And by God's, yes, and by God's grace, we were and we are in the right hand. Hi guys, this is Shashank Jain, co-founder of Vodafone Interiors. आज मैं आपके सामने एक नई फैमिली, एक नया घर और एक नई लाइफ जर्नी घर को बनाने की लेके आया हूँ. सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर ब्यूटीफुल फैमिली एंड द डिजाइनर ऑफ द हाउस हियर. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरव एंड आई एम अ बिजनेसमैन. दिस इज माय फैमिली मोनिका एंड सिद्धार्थ. नाउ शी विल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ. हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द टीचिंग इंडस्ट्री. In schools, I have worked and I have 6 years of experience. Rest, if I talk about my hobbies, I like playing badminton, spending good quality time and reading sometimes, and spending a lot of time with my family, quality time, because I believe that family time is important. Hello everyone, my name is Siddharth and I study in Delhi Public School, Noida. Lovely. Hi guys, I'm Vishika. I'm designer of this house. Cool. So guys, मुझे तो बहुत excitement है इस घर को लेके. मैं आपके साथ बहुत सारी वो बातें share करने वाला हूँ. इसको बनाने के लिए क्या-क्या किया और ये घर ऐसे कैसे बना. So let me start this first with Monica. So Monica, जब आप दोनों लोग घर खरीद रहे थे, and I'm sure ये आपका पहला house है नोएडा में, when you bought it. So what was going into your mind while you were buying the house? There were a lot of confused feelings. Kuch clear nahi ho raha tha, you know, a lot of points were not clear, where to go, in which direction to go. It was quite chaotic also sometimes. So finally we thought of, you know, after searching for 2-3 months, and now we searched overall Noida, we searched and finally we got this option, and I would rather call it an opportunity. You know, we are blessed to be a part of Exotica Fresco. And it's an amazing feeling, just beyond words. Lovely. Yeah, apart from being in this society, the journey with Vodafone is also very nice, you know. Thank you so much. घर तो Vodafone ने बनाया. Thank you so much. Apartment को. Okay. It was quite a memorable experience, yes, with Vodafone. Thanks a lot. तो अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे उस journey के बारे में कि हमने कैसे किया और क्या-क्या हुआ. तो सारे viewers वही देखेंगे. And we'll try to connect them with heart, with feelings. So, अच्छा मुझे बताओ, जब आप Vodafone को choose कर रहे हैं, when you first come to Vodafone, और आपको लगा कि मुझे अपने घर का design करना है, तो thought क्या था कि मुझे design क्यों करना है और मुझे Vodafone से क्यों कराना है? It's like मेरे को तो ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पे कैसे click हुआ, कि मुझे किसी ने भेजा वहाँ पे, मतलब मैं अपने गुरु का मेरे को आशीर्वाद मिला, क्या हुआ कि मुझे एकदम अचानक से बैठे बैठे मैं आई वॉज वेरी अपसेट कि यार कुछ हो नहीं पा रहा है. मैं इंटीरियर के लिए घूम रहा था, काफ़ी लोगों के पास गया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था. कुछ लोग मुझे समझ नहीं आ रहे थे, जच नहीं रहे थे. कुछ ऐसा लग रहा था यार ये पता नहीं क्या करेंगे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज आजकल आ गई हैं, उन लोगों के ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं था बेसिकली. तो बैठे बैठे अचानक से मैं और मोनिका बैठे हुए थे एक दिन, तो मैंने कहा यार मोनिका मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को, क्या होगा पता नहीं, समझ नहीं आ रहा. तो सडनली मेरे को एकदम, पहले एक बार मेरी बात हो चुकी थी अभिषेक से, तो मैंने फोन किया अभिषेक को, तो उसने बाद में रिस्पॉन्स नहीं किया. तो फिर उसके बाद वो मैंने आपका नंबर सर्च किया, तो मैंने आपसे बात करी डायरेक्टली. आपने कहा आप ऑफिस आ जाओ, तो उस दिन से हमारा वो स्टार्ट हो गया. और उस दिन से लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं, तो वो एक मतलब एक ड्रीम कम ट्रू हो गया एक तरीके से. एंड समथिंग क्लिक्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. यस यस एक्चुअली. एंड बाय गॉड्स, जैसे किसी ने भेजा हमें वहां पे. एंड बाय गॉड्स ग्रेस, वी वर एंड वी आर इन द राइट हैंड. राइट, एक्चुअली थैंक यू सो मच. आई मीन मुझे दिल से ना बड़ी खुशी होती है, एंड व्हेन दिस हैपेंस ना मुझे लगता है कि यार दैट इज द रियल वैल्यू वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन. एंड आपका घर अच्छा बन जाए ना, और जब आपको मजा आए उस घर में रहने के लिए, मुझे लगता है यार इसी के लिए शायद ये भगवान ने हमें भेजा है, और बनाने के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए काम हुआ है. एंड इट्स रियली फेल्ट नाइस. इट्स अ लॉट ऑफ मीनिंग. या इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ मीनिंग टू हैव अ हाउस. अपार्ट फ्रॉम लाइक इस सिर्फ इंटीरियर्स को हटा दो, बाकी जो लोगों के साथ जो जर्नी रही है, स्पेशली इशिका के साथ, आपके साथ तो स्टार्टिंग में, फिर अर्पित जी के साथ, और उसके बाद तो जितने लोग थे, जो सब काम कर रहे थे,
मतलब इतना अच्छा लगता था कि काम भी होता रहता था, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चलता भी रहता था, कभी कोई झटका लगता था, लेकिन मजा आता रहता था एक्चुअली. एंजॉयबल एंड अ मेमोरेबल जर्नी व्हिच वी कैन नेवर फॉरगेट. सीरियसली एक्चुअली कभी नहीं भूल सकते. थैंक यू सो मच. अच्छा व्हाट वाज योर आई मीन टर्निंग पॉइंट वेयर आई मीन दैट पॉइंट रियली टच्ड यू एंड यू कन्वर्टेड टुवर्ड्स वडोफा, कि आपको लगा नहीं यार मुझे काम तो वडोफा से ही करना है. मैंने आपको बताया ना कि ये सब गुरु जी का आशीर्वाद है. उन्होंने ही कहा कि भाई ये है कर ले. अच्छा. और बेसिकली मतलब मैंने वडोफा के बारे में नहीं सर्च किया था, बाकी सबके बारे में सर्च किया. मतलब मैंने जितना भी रिसर्च वर्क मैं ज्यादातर करता हूँ, कोई चीज खरीदने से पहले भी उसके ऊपर रिसर्च वर्क जरूर करता हूँ. बैठा रहूंगा, उसको पढ़ूंगा, रिव्यूज पढ़ूंगा. बट कहीं ना कहीं वडोफा के रिव्यूज मैंने नहीं, मतलब इतने ज्यादा इनडेप्थ नहीं गया था. और फिर पहली बार जब आपसे मिला उसके बाद ही रियलाइज हो गया था कि भाई ठीक है, इट्स ऑल फाइन, करना है बाकी काम. उसके बाद स्टार्ट हो गया था वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया. कूल है. तो जब आप डिजाइन कर रहे थे तो मुझे पता है इशिका वाज डीपली इन्वॉल्वड विद यू इन टर्म्स ऑफ डिजाइन. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद इशिका, मतलब क्या क्या हो रहा था उस समय डिजाइन के मोड में? कुछ कुछ घर दिख रहा था, कुछ कुछ घर का डिजाइन दिख रहा था, हो क्या रहा है, क्या चल रहा था दिमाग में? पहले मोनिका से पूछा. हाँ मोनिका भूल गई कि इशिका के साथ जो जर्नी थी अब तक, दैट वाज आई मीन वेरी नाइस, अमेजिंग. एंड वी हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन हर. समहाउ इट स्टार्टेड बिल्डिंग अप एंड डेवलपिंग मोर एंड मोर डे बाय डे, राइट? मोरओवर हर टेंपरामेंट इज आल्सो वेरी अप्रोचेबल, very you know sweet to accept things, right? So suggestions were welcomed by her. She gave her output. So एक टाइम पे तो हमने मतलब ऐसा ही था कि इसी का अप्रूवल ही चाहिए. Whatever she did was the best. Creating space in you know a small area, I mean it's a mastermind thing. Actually. नहीं, लेकिन दो वार्डरोब्स उस रूम में फिट हो सकती है नहीं हो सकती, बिकॉज सर को मेन कंसर्न था शिका मुझे तो स्टोरेज बहुत ज्यादा चाहिए. सर निश में इनफ है, हो जाएगा. फिर मैं सर ठीक है हम लोग थोड़ा सा करते हैं, एक साइड टेबल रिमूव करते हैं और हम लोग यहाँ पर वार्डरोब अपने आराम से बना सकते हैं. I mean, तो she is the kind of person who never gets satisfied easily. Whether that's on a bigger aspect of anything, whether that's even a small decor. इसका satisfaction एकदम से होता ही नहीं है. This is the best thing in her. She doesn't compromise. That is such a nice feeling, no? When as a client you say ये ले ले और डिजाइनर बोल रहे कि नहीं सर मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको कितना खुशी होगी होगी यार ये लेने नहीं दे रही है मुझे, मतलब पक्का कुछ गड़बड़ हो रही है. ऐसे ऐसे डेकोर के लिए हो रहा था, जैसे हम लिविंग रूम का डेकोर देख रहे थे, छोटा सा पीस था, हम लोगों ने इतने सारे स्टेप्स चढ़े, कभी वहाँ पर कभी वहाँ पर, कभी हम लोग उसको बोल रहे भैया आपका कितना बड़ा शोरूम है हमें समझ ही नहीं आ रहा. फिर वहाँ पर एक लगा हुआ था ऊपर, मतलब इसमें डस्ट हुआ था, मतलब सर ये बहुत सुंदर लगेगा ये लेते हैं. फिर मैंने निकाला, लाइक हम लोग को इमेजिनेशन हो गया कि सर ये बहुत सुंदर लगने वाला है. ये लगा ना, बहुत क्रिएटिव है, बहुत टैलेंटेड है, इतनी यंग एज में इतनी क्रिएटिविटी. मैं किसी से भी मिलता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी डिजाइनर है छोटी सी है और उसको 40 वॉट्स मिले हुए हैं. सब कहते हैं छोटी सी है तो 40 वॉट्स कैसे मिले, बचपन से मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट के और ये वो सारे मिला जुला के 40 वॉट्स मिले हुए. सो शी इज वेरी टैलेंटेड. यू आर वेरी लकी टू हैव हर, यू नो, आवर ओनली हाउस, द ओनली हाउस एंड द ओनली डिजाइनर. आई विल कीप इट दैट वे. I mean that is a good feeling, no? Because aap kahin na kahin that your soul and heart was connected to us in totality and we were connected to you in totality and that is how it clicked. And that is how the house which you turned out to be, I think it's one of the best house. Bahut sundar hai aur mujhe nahi lagta aapki society mein itna sundar ghar aur kisi ne banaya hoga. I don't know. No, or I don't feel so. Mujhe lagta nahi hai. No, aisa is aisa hum keh bhi sakte hain because see Zidane goes to play, to uske friends kafi appreciate karte hain, you know, to this. Yeah. Absolutely. So, थोड़ा सा लाल हो गई है इशिका तारीफ करते करते.
Okay. No, but she truly deserves. She truly deserves. सबसे ज़्यादा से आपका kids room का कैसा experience था? तो आप जब वहाँ design कर रहे थे, तो आप क्या सोच रहे थे कि आपके room में क्या होगा? किस तरीके से बनाओगे? दीदी को क्या बोल रहे थे? तो what was going into your mind? क्या चल रहा था? Kids room में lightings का बहुत अच्छा लगा मुझे. Okay. What about that cloud? Design is also good. और मैप सबसे अच्छा लगा. मैप अच्छा मुझे खुद मतलब मैं आज मैप उसको देखा रहा है उसकी पोज जस्ट लाइक अ 3D तो मुझे लगा यार मैं टच करूं कि नहीं करूं तो मेरे को रियलाइज हो रहा था अच्छा मैं टच करूं कि नहीं करूं बट इट वाज गोइंग इन माय माइंड एंड बीइंग अ डिजाइनर मायसेल्फ अगर मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं तो लोग तो डेफिनेटली नहीं पकड़ सकते मैप आईडिया वाज सो स्टनिंग एक्चुअली सो स्टनिंग वो एकदम चेंज था सडन था बट बहुत अच्छा था सडन था मतलब वो जब वॉलपेपर लगाने आए एंड हमारी बात हुई कि सर ऐसे कुछ चेंज करना है एग्जैक्टली क्योंकि हम लोगों ने कुछ और मूड बोर्ड में हम लोगों ने कुछ और फाइनलाइज किया था तो ऐसा कस्टमाइज वॉलपेपर हमें मिल नहीं रहा था मतलब क्लिक ही नहीं कर रहा था तो सर वाज सेइंग कि शिखा क्या करना चाहिए सर मैप का एक मैप लगाते हैं तो सब प्रीव्यू हमने देखा सर बोले ठीक है शिखा इसको फिक्स कर दो और जब वो रिजल्ट निकल कर आया मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कितना सुंदर निकल गया मेरे को एकदम विजुलाइज हो गया था मैंने कहा ये यहां पे बहुत अच्छा और सिद्धांत को तो ये सब चीजें करने में बड़ा मजा आता है मैप्स देखने में और इस तरीके की चीजें करने में हम लोग अभी ट्रिप पे गए थे तो माउंटेन्स पे भागता चला गया उसको बड़ा मजा आता है तो इसका हाउ इसका रूम तो बिल्कुल उसी इसके अकॉर्डिंग है द कलर कांसेप्ट मैप द मोटिवेशनल फ्रेम डिजाइन द क्लाउड वॉल आई मीन विद एवरीथिंग इज सो वंडरफुल एंड डजंट लुक लाइक अ किड मतलब किड्स का फील देता है बट इट इज सो मैच्योर आई मीन the taste you guys have done it that way. It can go a long way. Yes. So it is not just for 1 year, 2 years, 3 years. It can go up to 10 years, 15 years. And that can keep the room for him for like the next 10 years, 15 years. Next 10 years. तो एक वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगा ओवरऑल डिजाइन मोस्ट किड्स रूम्स आर लाइक वेरी यू नो किडिश टाइप वो उसमें कुछ कार्टून्स लगा देते हैं बट जो ये किड्स रूम निकल के आया ना ये मुझे बहुत एकदम ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा एक वो देता है Absolutely. And how about the experience of living room and the dining and the kitchen? So, when you were designing this, what was going on in your mind? I'll tell you honestly, I thought that if you put this dining table here, then you have to put your feet here. I thought that. I thought that this dining table, when it comes here, you can't get out of here. But thankfully, we have designed this, thought about it, changed it, but it was a good place. If I talk about my experience with the dining area especially क्योंकि working area kitchen में रहता है I mean this is one of the best मतलब that on the top the place where I like to sit yeah. and the, for the first thing in the morning when I get up I just come here and sit on this bench okay right okay. and just wander outside and look outside then turn that side when I see my family tree there so that's quite a motivational thing वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक फैमिली ट्री क्रिएट हुआ हुआ है हमारे पेरेंट्स आर वेडिंग सिद्धांत एंड हमारी दो ट्रिप्स ओके सो मुझे यहाँ पे बैठ के एंड मोर ओवर दिस बेंच थिंग स्पेशियस बहुत बना है एंड वेरी कन्वीनियंट टू यूज एंड इट गिव्स यू सच अ क्लास नो व्हेनेवर यू एंटर बिकॉज द प्रिंट इज सो नाइस तो मुझे लगता है घर में एंटर करते ही सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है ना वो ये करता है एंड इतना सुंदर लगता है द एंटायर फील ऑफ द हाउस सडनली पॉप्स अप तो आप एक्सपेक्ट करते हो अच्छा और क्या अच्छा है और नया क्या है सो एंड सो फॉर दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट व्हिच इज विजिबल वंस द डोर ओपन्स दिस इज यू नो दिस इज पार्ट सो आपका कैसा था एक्सपीरियंस विद द किचन बिकॉज़ आई रिमेंबर किचन में थोड़ा फाइट चल रहा था जगह बहुत कम थी किचन में मैम को ऐसे था कि शिखा मेरे को तो फ्रिस्बी रखना है किचन में पैंट्री भी बनाना है मतलब मुझे लॉफ्ट था मैं कहा हो जाएगा शिखा मैम मैं तो मैम बार बार शिखा मुझे स्पेस मिल जाएगा ना मैं कहूँ मिल जाएगा हम लोग ड्राइंग करते हैं बहुत जरूरत से ज्यादा स्पेस बहुत स्पेस मिला है द किचन इज उसकी वजह से आपको गैप्स नहीं दिख रहे हैं आपको स्पेस यूज करने को मिल जा रहे हैं और सारी चीजें अंदर आने के बावजूद भी बड़ा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है
भला आई मीन टू से आपका फ्रिज भी है वहाँ पर, आपके हॉब चिमनीज भी हैं, आपके बाकी एलिमेंट्स भी हैं, आपके मिक्सर्स भी हैं, सब कुछ वहीं है. एंड इट्स रियली नॉट अ वेरी वेरी बिग स्पेस टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बट डेफिनेटली वो बहुत सुंदर लगती है. सो ओके एंड देन व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द सोफा एंड दिस एल, ये भी बहुत छोटा एरिया है, तो इसको जब कर रहे थे तो क्या सोच रहे थे? इट्स बियॉन्ड वर्ड्स, आई मीन क्या बोले कि इतना अच्छा लग रहा है. एंड द एल शेप सोफा, इतनी सीटिंग कैपेसिटी है, मतलब पहले हमें लग रहा था कि जैसे कि हम लोग अपने घर में बुलाएंगे गेस्ट तो 4-5 गेस्ट को बुला पाएंगे, अब मतलब ऐसा लगता है कि 8-10 लोग भी आ जाएंगे तो आराम से समा जाएंगे, इसी सोफे के आसपास ही बैठ जाएंगे. फिर डाइनिंग पे हम लोग बैठ चुके हैं ऑलरेडी, 5-6 जने में फैमिली आई थी तो 5-6 जने इसी बेंच की वजह से आराम से आ गए. तो बहुत मतलब अगर डिजाइन अच्छे से हुआ होगा तो सब कुछ अच्छा हो सकता है. क्रेडिट गोज टू हर. लवली. सो डिजाइन का एक्सपीरियंस तो हो गया, समझ में आ गया. तो अभी जब एग्जीक्यूशन हो रहा था, डिजाइन फ्रीज हो गया, लगा अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो व्हाट वाज गोइंग इनटू द माइंड? क्योंकि एग्जीक्यूशन की प्रोसेस थोड़ी डर्टी होती है, थोड़ी साइट उतनी साफ नहीं दिखती जितनी अभी दिख रही है. तो जब जब आप आते थे तो आपको क्या लगता था, हाउ वाज दैट गोइंग थ्रू? मुझे तो फर्क नहीं पड़ता था, मुझे पता है काम तो ऐसे ही होगा. काम तो होना ही है, तो ठीक है वो काम होता हुआ नजर आता रहता है तो आपको तसल्ली रहती है, बस काम होना चाहिए. उन चीजों से तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या डर्टी है क्या, और वो सब कुछ होता रहा, क्लीनिंग भी होती रही है, एंड एवरीवन वाज सो मतलब कनेक्टेड था सब कुछ, कि किसी को कुछ कह दिया तो वो काम हो गया, फिर कुछ करने कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और फिर सब कुछ हो रहा था तो फिर क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुई. सब कुछ अपने आप ही हो रहा था, बैक टू बैक, इन लोगों तक तो जाने ही नहीं दिया, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं. तो आप बस फाइनली आए देखने के लिए, घर कैसा लग रहा? हाँ, लाइक लास्ट फ्यू डेज एंड फाइनल थिंग. तो जब लास्ट वॉलपेपर लगा था ना, तब ही आए. अच्छा, उससे पहले एक बार भी नहीं आए? उससे पहले एक बार अपने आलू प्याज कहाँ रखूंगी. तो सर बोलती कि मैं ओपन वो विकर बास्केट तो नहीं लगाऊंगा. तो मैं बोली शिखा मुझे बस एक दे दो, सर की बात मत सुनो, एक तो दे दो. फिर हमने वहां पर ट्रीट करके फिर डिजाइन थोड़ा चेंज किया, एक ट्रॉली को हमने वो किया, और फिर वहां पर बेकर वगैरह है. मैम से अब मुझे किचन बहुत सुंदर लग रही है. दैट रियली वर्क्ड वेल, इट रियली वर्क्ड वेल, बिकॉज लॉजिकली प्रैक्टिकली वी नीड वन सच काइंड ऑफ थिंग. और उसके लिए भी एक कॉम्पैक्ट स्पेस में वो क्रिएट करना, दैट्स सो वंडरफुल. और क्या चाहिए, आई मीन वैसे कि और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिकॉज़ एज यू राइटली सेड, कुछ भी नहीं है. मुझे लगता है कि जब सारी चीजें फिट हो जाती है ना, तो चीज में सेटिस्फेक्शन आ जाता है. और वैसे मैं बोलूं तो सर कोई लिमिट नहीं है, मतलब इंटीरियर्स इज अ डोमेन वेयर यू कैन स्पेंड 10 लाख रुपीज ऑल्सो, यू कैन स्पेंड 10 करोड़ रुपीज ऑल्सो, देयर इज नो लिमिट टू इट. बट आपको कहीं ना कहीं अपने रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज इन करना है और उसके अराउंड अपने आप को बनाना है. अगर वो हो पाए एज अ डिजाइनर और एज अ क्लाइंट, तो मुझे लगता है उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है. फ्रीज इन करना पड़ता है. ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आप ना और अच्छा करते हो, आप कोशिश करते हो. मुझे लगता है कि ऐशिका ने भी और अच्छा करने की कोशिश करी, क्योंकि वो पॉजिटिविटी पुश करती है. अरे ये क्या कर दिया, ये क्या, नो वन, क्योंकि हमारे टेम्परमेंट में और आपके टेम्परमेंट में ये ऐसा है ही नहीं. And I think this is a very good factor. मतलब मुझे लगता है अगर आप as clients, as designers, as some पूरी team अगर positive हैं, we are willing to do it and we are not willing to just run away with it. I'm very sure कि वो चीज़ अच्छी ही बनेगी. अच्छी ही बनेगी. But yes, patience तो रखनी पड़ेगी. मैंने वही बोला ना कि अगर काम होता हुआ नजर आ रहा है तो सब्र रखो, सब हो जाएगा. ये आने वाले आपके बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा एक सबक रहेगा कि बी पेशेंट, तो सारी चीज हो जाएंगी. अगर लोग अच्छे मिल गए हैं, जैसे आप अच्छे लोग मिल गए उनको, सब कुछ होने वाला है. They will definitely get a good output, good product. Thank you. All they need to be is a little patient. Absolutely. I guys, मुझे ये लगता है कि guys, मैं आप सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो देख रहे हैं. So, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है घर में.
अगर आप ट्रस्ट कर पाते हो अपने डिजाइनर पे या अपनी कंपनी पे जिसको भी आपने चूज किया है, दूसरा आप ओनरशिप देते हो उनको कंप्लीट, आप अच्छे हो पर आपका डिजाइनर आपको अगर अच्छा ही बनाना चाहता है, एंड थर्ड इज पेशेंस। अगर ये तीनों चीजें अगर आप फॉलो कर पाते हो तो आई एम वेरी श्योर प्रोडक्ट विल बी वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्योंकि उसके बिना ये उतना फैक्टर नहीं अच्छा बन पाता। आपको तीनों चीजों को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप एंड आई एम श्योर द आउटपुट विल बी नाइस। सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सब लोगों के लिए घर एक मंदिर ही होता है और मंदिर में हम भगवान को रखते हैं, तो भगवान यही कहते हैं भाई सब्र रख सब होगा, सब कुछ मिलेगा, तो सब्र रखो सब कुछ मिल जाएगा। ओके सो अब वन क्वेश्चन इज, पहले मानिका से पूछता हूँ कि व्हाट इज योर मोस्ट पॉजिटिव स्पेस इन द हाउस वेयर यू फील योर सोल इज बीइंग ट्रीटेड। अच्छा मुझे मजा आ रहा है, मेरी आत्मा को अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है। इमीडिएटली द आंसर इज द मंदिर रूम, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड दिस वे, इट्स ईस्ट फेसिंग, एंड उसके बाद जो वहाँ पे क्रिएशन हुआ है मंदिर का, टेम्पल क्रिएशन, एंड उसमें भी अगेन आई विल से कि मिनी स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया है विद द सीटिंग स्पेस, एंड सो इट्स फील्स वेरी सूदिंग। यू जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू गो देयर और व्हेनेवर ऑन एंड ऑफ थ्रू द एंटायर डे, यू जस्ट आई जस्ट गो देयर सिट रिलैक्स, यू नो आई कैन फील माय सेल्फ देयर एंड या डिस्ट्रेस। वेरी नाइस। आपके लिए सर मोस्ट पॉजिटिव स्पेस इन द हाउस? मैं वहां जाके सो जाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा मतलब इतना अच्छा लगता है कि वैसे तो सब जगह ही अच्छी है बट वो सबसे छोटा बट जिस हिसाब से वो डिजाइन हुआ है वो सबसे मजेदार जगह है। तो छोटा ये मत सोचो, छोटा है तो मजा नहीं आएगा, छोटा है तो और भी मजा आएगा, बट पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ। आपके लिए सबसे अच्छा पॉजिटिव या फेवरेट स्पेस घर का? सिद्धांत का रूम उससे बाहर नहीं निकलता, उससे बाहर नहीं निकलता। बताओ। I think जो स्पेस फैक्टर है, you know, we cannot define it as a small or a big space. It's all in the mind. For us, it's like we cannot say it's big and small. It is just wow. It is just so lovable. You know, that's how it is. So quoting it as small, you know, that's really, you know, I really want to be up to it. Whatever it is, it's more than enough for me. I'm totally satisfied in and out with everything. ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर पूरा घर अच्छा लगता है ना तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, because you feel every corner of the space is your corner. तो लगता है कि मेरा घर है और मेरी जगह है। तो वो जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो जब soulful treat होती है ना, अगर आपकी आत्मा और आपकी दिल और उसमें कनेक्ट कर रही है, तो आई एम वेरी श्योर वो छोटा सा दीवार हो या एक बड़ा सा सोफा हो, सब अच्छा लगेगा। So it's exactly. just, I mean, your dil which has to be connected. शशांक जी, मैं आपको सही बताऊं, इशिका ने हर कॉर्नर का ध्यान रखा है। मतलब हमारा ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहां पर हमें ये ना लगे कि यार यहाँ खड़े होकर मजा नहीं आ रहा। नहीं, अब सिद्धांत भी बताएगा, because I just spoke, which is your favorite area, one of the favorite, because everything is favorite. My room. Okay. क्यों अच्छा लगता है आपको अपना रूम? Because it has wonderful lights. Okay. He's a lovable guy for lights. Very nice. Having so many lights, this is the first time that is happening in our life, you know. First house. So, अपने house में ही हम lights को create करते हैं. And अपने mood के according हमारी lights होती हैं. अभी ये mood है तो white light, warm light. So it feels nice कि कौन सी light हमें किस mood में जलानी है. So this is first experience. Very nice. So आप जो पहले रहते थे कहीं पर भी, चाहे बैंक इन क्लियर रहते थे या 105 में रहते थे, और जो अब रहते हो, तो पहले और अभी के अंदर लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है? पहले क्या था, अभी क्या है? नॉट जस्ट हाउस, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। तो घर ने कितनी मदद करी वो उसको फैक्टर इन कराने के लिए? घर ने ही सारी मदद की। फर्स्ट ऑफ ऑल this is a very important question. Getting a good atmosphere in life, if you're in a society, first of all coming to a society, you know, a good one, wo bahut yes blessing tha hamare liye, right? That was the first positive thing. And living in a house, such a beautiful house, it's like a dream come true. Nothing else you would really ask for, right? Apart from getting your children settled, right? Sabse bada dream ye hota hai कि वी शुड हैव आवर ओन पर्सनल हाउस।
वो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है यू नो, और रिलैक्स रहता है, फील्स वेरी पीसफुल एंड यू गेट मोटिवेटेड टू डू मच मोर इन लाइफ नाउ टू हेल्प अदर्स एंड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग स्पेशली. Very nice. I mean, such a beautiful story. आप बताओ आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सर? ट्रांसफॉर्मेशन काफी हुआ है, मतलब मुझे तो अपनी फैमिली को खुश देख के, मतलब मैं अपनी फैमिली को खुश देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक्चुअली में थोड़ा बाकी चीज़ों से तो डिस्कनेक्ट हो गया है काफ़ी चीज़ों से, बट मुझे अपनी फैमिली खुश लगती है तो मुझे उससे ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं. मतलब इफ दे आर हैप्पी आई एम सेटिस्फाइड. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं फील होता है कुछ भी. सब चीज़ें अच्छी लगती हैं मेरे को, सब चीज़ें उनसे ज़्यादा मतलब अटैचमेंट्स नहीं है. मतलब डिटैच रहके मैं इनके साथ खुश रहना चाहता है. So, मुझे मतलब ये खुश लगते हैं तो सब अच्छा है. Yes. Very nice. तो मतलब जर्नी तो अच्छी रही. That means, so what was your total overall experience with Udofa? I'm sure बहुत सारे अच्छे moments भी आए. तो overall आपका feel with us, how was that? In terms of everything. In terms of everything, it's wonderful and you know. बहुत अच्छा रहा, मतलब ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहा. टीम वर्क और उसके साथ साथ एंड रिजल्ट भी अच्छा है. बहुत अच्छा एंड रिजल्ट तो, बट जो जर्नी रही है कि भाई किस किस के साथ कैसे कैसे मिलके काम करना है, तो एवरीवन वाज रिस्पॉन्सिबल, कोऑपरेटिव, रिस्पॉन्सिबल. और मतलब अगर किसको जो काम करना है ना वो अपने फील्ड में परफेक्ट है, मतलब वो नहीं लगता कि यार इसको ये काम नहीं आता और वो काम करने लग रहा है उस काम को. मतलब जो जिसको काम दिया गया है ना वो परफेक्टली उसने उस काम को हैंडल किया. Very true. मतलब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस देख रहे हो आप. बेसिकली देखता तो है इंसान अपना घर बनते हुए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. सब बहुत डाउन टू अर्थ है. मतलब even the people at the higher authority, like you're the owners, but still you are so down to earth. Even Arpit ji, aap sare jab hum office aaye the to sab employees wahan ke aisa laga hi nahi, matlab ki wo employee hai. It's like a family and we feel like we are kind of an extended family. So it feels like family. 100% I will buy this and I really love it, because when we built the company to humne ye soch ke build ki thi ki we want to build a family, not like ek transaction relationship nahi rakhna hai ki maine aapka ghar banaya aur hum log chale gaye. Nahi, it has to be a lifelong journey which we are part of it and you are part of ours. To hamara ye mutual hai. So jitna main aapke jeevan mein part hu utna hi aap bhi mere jeevan mein part ho. Kahin na kahin aapka growth mera growth se linked hai, similar. तो वो जरूरी है कि अगर आप खुश हो तो डेफिनेटली वो वाइब्रेशंस हमारे तक पहुंच ही जाएंगी और हम भी खुश रहेंगे. नहीं बिल्कुल, खुश भी रहेंगे और अच्छा भी चलेगा, क्योंकि एवरीवन इज कनेक्टेड और ये ही एक चेन होती है जो आगे चलती है. सो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है एंड आई फील कि यार ये खत्म क्यों हो रहा है. जब भी खत्म हो रहा होता है ना मुझे हमेशा जिटली होता है कि नहीं यार और क्या करूं, ये खत्म ना हो. Not more to talk. And I feel only 20-30 minutes is very less time. I want to talk about the journey which was there, I mean right from you buying a home to designing and then finally moving in. So itni badi life ka event hai na ye, aur 20 minute mein kaise main isko figure out karu. Is but journey mein ups and downs ke sath still you know it was really beautiful. Thank you so much. So guys we are nearly end. Aap kuch batana chahte ho mere viewers ko, you wanna give one last statement to them? Statement yahi hai ki Udofa is a very company which you can trust upon, और आप साथ में उनके चलोगे तो वो अच्छा ही करके देंगे, ये मेरी तो श्योरिटी है. और बस थोड़ा सा ये है कि इंटीरियर इज अ काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, बट जो एंड रिजल्ट होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा, बिकॉज आई नो दिस इज द बेस्ट. Lovely. Thank you so much. Definitely go for Udofa. Yes. Oh, yeah. Thank you so much. So guys, we are finally signing it off. See you on another sofa from Udofa. Shashank Jain. Bye-bye. Take care.